अमेरिका का बिग बॉस कौन होगा? धीरे धीरे करके वो तस्वीरें साफ होती जा रही हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जी न्यूज पर आज सुबह 6 बजे से लगातार बड़ी अपडेट्स के साथ हम आपको बता रहे हैं कि इस चुनाव में कौन बाजी मार रहा है। हालांकि ये रुझान है, ये फाइनल नतीजे नहीं है। फाइनल नतीजों के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन नंबर्स अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो इस वक्त कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से काफी पीछे नजर आ रही हैं। लगभग 200 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जबकि कमला हैरिस मात्र 119 पर। चंदन, तो इस वक्त की बड़ी खबर, शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि अमेरिका में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब तो व्हाइट हाउस का बॉस डोनाल्ड ट्रंप बन सकते हैं, ये शुरुआती रुझान कह रहे हैं। 270 का मैजिक फिगर होता है, लेकिन यहां डोनाल्ड ट्रंप 200 के साथ काफी लीड हासिल करते हुए दिख रहे हैं। कमला हैरिस 119 इलेक्टोरल वोट के साथ पिछड़ती हुई दिख रही हैं। भले ही ये रुझान हो, लेकिन इन रुझानों में एक ट्रेंड साफ दिख रहा है कि स्विंग स्टेट्स में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, और ऐसे में रिपब्लिकन्स के लिए अच्छी खबर और व्हाइट हाउस की रेस में डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अमेरिका देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और वहां का राष्ट्रपति कौन होगा, इस पर जी न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस जीती है, लेकिन दूसरे स्विंग स्टेट्स में आगे नजर आ रहे हैं। और ट्रंप समर्थकों की तस्वीरें मायामी से आपको हम दिखा रहे हैं। ट्रंप समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनमें जोश साफ साफ देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि जो अभी तक के शुरुआती रुझान है वो रिपब्लिकन पार्टी के फेवर में है, लिहाजा रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक काफी जोश में नजर आ रहे हैं। और आपको याद होगा कि 4 साल पहले 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह सुबह ही अपने आप को विजेता घोषित कर दिया था, लेकिन जब फाइनल नतीजे लॉक हुए 3 दिन के बाद, तो उसमें जो बाइडेन ने बाजी मारी। उस वक्त अमेरिका में जो हिंसा हुई थी उसे भी पूरी दुनिया ने देखा था, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड सामने आ रहा है उस ट्रेंड में डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर किसी को भी अमेरिकी प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की आवश्यकता होती है, यानी कि अभी भी 70 वोट से पीछे हैं। और कुछ स्टेट्स के नतीजे अभी आने बाकी हैं, क्योंकि वहां पर अभी काउंटिंग जारी है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल यहां पर मौजूद है। मैं राम कृपाल सर, मैं आपके पास आऊंगा। जो बाइडेन की उम्मीदवारी पीछे लेना और उसके बाद कमला हैरिस को आगे करना, उस वक्त एक उम्र का बहुत बड़ा मुद्दा बना था, लेकिन इस चुनाव में अब जब दो कैंडिडेट सामने थे तो सबसे ज्यादा उम्रदराज डोनाल्ड ट्रंप थे। कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी बाजी को पलटी है अपनी तरफ? बिल्कुल, देखिए शुरू में जब ये कमला हैरिस का नाम आया था और उसके बाद का जो वहां से जो मिल रहे थे जिस तरह के संकेत, उसमें तो ये था कि पहली बार शायद अमेरिकी इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती गई और दुनिया में कई जगह पे, जैसे इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन और रसिया, उसके बीच में जिस तरह का ट्रंप के बयान आते रहे और कमला हैरिस के भी जिस तरह बयान आते रहे, तो ये डिवीजन बहुत साफ वहाँ दिखाई पड़ने लगा जी। और मुझे लगता है कि वो जो ट्रंप का एक डेसिव, एक कुल मिलाकर के कि बिल्कुल फर्म हो करके उनकी आइडियोलॉजी में या जो भी कहिए, तो एक डिवीजन जिसको आप कह लीजिए कि लेफ्ट वर्सेस राइट जो है वहां यूएस में भी। आपने डिवीजन का जिक्र किया सर, एक चीज तो साफ है कि जितना बटा हुआ अमेरिकी समाज अभी दिख रहा है, अब शायद ये पहले नहीं था या शायद पहले रहा होगा, अब चूंकि ग्लोबल हो चुकी है सारी चीजें तो हम लोग भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। इन सब के बीच आरती टिक्कू, अगर बात की जाए जो शुरुआती रुझान है, ये क्या कहते हैं? क्या ये मान लिया जाए कि अब से कुछ घंटों में डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति होने जा रहे हैं? देखिए, रुझान तो साफ दिखा रहे हैं कि ट्रंप के पास लीड है, 205 इलेक्टोरल वोट्स उनके पास है और कमला बहुत पीछे है। इनफैक्ट स्विंग स्टेट्स की अगर बात करें, चूंकि वो बैटल ग्राउंड स्टेट्स होती है, पिछले इलेक्शन में ट्रंप हार गए थे मैक्सिमम स्विंग स्टेट्स, अभी जॉर्जिया में वो आगे है, पेंसिल्वेनिया जहां वो बहुत पीछे थे ट्रंप,
कमला हैरिस के खिलाफ में, लेकिन अचानक से फ्लिप हो रहा है क्योंकि ट्रंप के फेवर में काफी सारे वोट्स आ गए हैं और पेंसिल्वेनिया जैसी के साथ आपको रोकना चाहेंगे कि अपडेट इसमें बता दें कि जो 200 और 119 का आंकड़ा था वो अब 205 और 117 में तब्दील हो चुका है फेवर में डोनाल्ड ट्रंप के। आप अपनी बात पूरी करते रहे। तो ये दिखा रहा है कि स्विंग स्टेट्स जहां पे कमला हैरिस को बहुत उम्मीद थी कि वो जीत पाएंगी, वो ज्यादा फेवर में नहीं जा रहे उनके, क्योंकि उसके कारण है। कमला हैरिस पिछले 4 साल से पावर में है और जिस तरह से जो बाइडेन और कमला हैरिस की पॉलिसी रही, बिल्कुल हमारे पैनलिस्ट ने सही कहा कि गाजा वॉर की जो हालत हुई उसमें अगर आप देखें कितने पैलेस्टीनियंस जो है मारे गए, और जो मुस्लिम वोट बैंक है यूएस में आज की डेट में वो खफा है कमला हैरिस।